अम्बाला में रहते हैं हरियाणा में, और प्लीज़ इनसे कनेक्ट कीजिए और इनको बढ़ावा दीजिए। थैंक यू अब्दुल सर। इधर एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए अब्दुल सर, इधर इधर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अजीत आर्यन और आज मैं सोनू सर से मिलने आया हूँ। अब ये मेरा दोस्त, क्या नाम है भाई? नीरा राठौर। आज हम दोनों सर के सर से मिलने आए हैं क्योंकि हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े। यहाँ काफ़ी लोग आए हैं मिलने। ये है उनका, ये कौन सा भाई है? बंगला। ये ना सामने, हाँ ये वाला पीछे, ये ऐसा। अभी लोग आ रहे हैं, वो 2:30 में प्रत्येक दिन मिलते हैं, 2:30 बजे के आसपास। अभी उनका मैनेजर आया था, वो चेक करके चला गया, मतलब वीडियोस शॉर्ट वीडियोस ले लिया, शूट किया और वो चला गया। देखते हैं, आज बहुत कम भीड़ लगता है, सर के पास टाइम नहीं है, देखते हैं क्या होता है। सर के जो घर है जहाँ सर रहते हैं उनके आसपास, वो है मैनेजर साहब जो निरीक्षण करने आए हैं कि कितने लोग हैं, क्या लोग हैं। वो एक वीडियो बना रहे थे, पता नहीं क्यों ये हमारे सहपाठी हैं। ए नीरज भाई इधर आ जाओ, ये एक्चुअली हमारे प्रोड्यूसर हैं। ये प्रोड्यूसर, इनका एक चैनल है नीरज राठौर करके, आप देखिए उस पर कमाल के मतलब हॉरर चैनल। खैर आज हम लोग सोनू सर से मिलने आए हैं, देखते हैं क्या होता है। आज भीड़ बहुत कम दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसे लोग रोज़ 100-200 लोग आते हैं, लेकिन आज बहुत कम दिख रहा है, आज 50-60 पता लोग हैं। देखते हैं आगे। अजीत भाई अम्बाला में रहते हैं हरियाणा में, और प्लीज इनसे कनेक्ट कीजिए और इनको बढ़ावा दीजिए। थैंक यू अब्दुल सर। इधर एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए अब्दुल सर, इधर इधर देखिएगा। हम यूट्यूबर हैं तो आपका वीडियो जाएगा। रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ बेटा? मेरे साथ आज अब्दुल रहीम आए हैं, और पहले आमने में थे, इतना कमाल का आज पास लेके आना है उन्होंने, जो दिखाओ इन्होंने लकड़ी में बहुत कमाल का आज बनाया। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें हेल्प कीजिए, ऐसे बैम्बू स्टिक से बनाया हुआ आर्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ इन्हें हेल्प कीजिए, ऑर्डर दीजिए। ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं, एंड वी हैव टू सपोर्ट देम ताकि और इनको और मौका मिल सके, प्लेटफॉर्म मिल सके आगे बढ़ने का। सो काफ़ी बोले सर, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हम आए हैं सोनू सर से मिलने, ये सर भी आए हैं सोनू सर से मिलने, काफ़ी लोग आए हैं सोनू सर से मिलने, लेकिन ये सोनू सर का बहुत बड़ा फैन है, मतलब बहुत बड़ा। सर बोले सर, सर के बारे में कुछ। सर कैसे, आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से बेसिकली काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, एक अच्छे इंस्पिरेशन है यंग जनरेशन के लिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है सर के, हेल्पिंग नेचर अच्छा है, इसीलिए ऑल द बेस्ट सर को। हाँ सर, जल्दी चले गए क्योंकि शायद था कि और ऐसे वर्क सर करते रहे, बस यही प्रार्थना। हाँ मैं भी आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जैसे सर सबको हेल्प कर रहे हैं, आप भी
तो जरूर नहीं कि बड़े लेवल पर आप हेल्प करें, लेकिन जो भी मतलब बने आपसे आप लोगों को हेल्प करें ताकि यहाँ का भीड़ कुछ कम हो जाए। ऐसा आखिरकार हम लोगों ने सोनू सर से मिला, बहुत वाकई में बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे अपने भाई हों, हमारे मतलब सबके साथ मिले, सबसे वो मुलाकात हुई, लेकिन आज ज़्यादा नहीं मिल पाए क्योंकि सर बहुत ज़्यादा बिजी थे। आज बहुत कम टाइम दिए, मुश्किल से 5 मिनट, वो बहुत जल्दी बहुत वो सर जल्दी जल्दी में थे। आज सर बहुत मतलब तेज़ी में थे, कहीं जाना था उनको, इसलिए आज उतना कोई खास नहीं मिल पाए। आज कुछ खास भीड़ भी नहीं था, पता नहीं क्यों ऐसा था इसलिए, लेकिन बहुत मज़ा आया। आप सोनू सर के जो आईडी है इंस्टाग्राम का चाहे और ट्विटर का, आप उन्हें फॉलो कीजिए, आपकी जो परेशानी है सर सॉल्व करेंगे। सोनू सर ग्रेट, ऐसा अभिनेता आज तक हमने नहीं देखा, मतलब फिल्मों में विलेन और रियल में हीरो हीरो से भी ऊपर। एक्चुअली ये सब काम जो है ना नेताओं को करना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ का जो नेता है ना वही तक बस। मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगा, या जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे आसपास जितने भी लोग परेशान हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे जिस वजह से परेशानी हो, छोटी परेशानी हो, बड़ी परेशानी हो, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। आ जाओ भाई, लंबा आ जाओ, दिखना चाहिए। कोशिश करें, जैसे सोनू सर ने ये बीड़ा को उठाया है लोगों के परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, वैसे हम लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल सपोर्ट ही करें, आप किसी को शरीर से भी मतलब सपोर्ट कर सकते हो, कर सकते हैं आप ऐसा। लेकिन ये जो बीड़ा है ना, ये जो लोग सर हेल्प कर रहे हैं, एक्चुअली ये जो चीज़ है या जिस तरह से सर हेल्प कर रहे हैं कैसा भी, ये नेता लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक ना? क्यों? क्योंकि नेता लोग जो पॉलिटिशियन हैं वो सिर्फ हाथ फैला के आ जाएंगे, भाई मुझे वोट दो, अब वोट देने के बाद वो करते क्या है, वो सिर्फ तकलीफ़ देते हैं। एक्चुअली मैं किसी के विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से पॉलिटिशियन हैं जो मुझे पर्सनली हमको उन्होंने मदद किया है और मदद करते भी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो पॉलिटिशियन नहीं होते हुए भी लोगों को काफ़ी मदद करते हैं। बस आज का वीडियो काफ़ी छोटा है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें चाहे डिसलाइक करें, करें ज़रूर। ए इधर आओ भाई, थक गए यार, करें ज़रूर, कमेंट ज़रूर करें आप सोनू सर के बारे में क्या सोचते हैं। हम कल ही मुंबई आए थे, और मैंने सोच के आया था कि मुंबई जाऊंगा, कोई काम करूं या ना करूं, सोनू सर से मैं पहले मिलूं, और मैंने वैसा किया, मैंने सोनू सर से पहले मिला, भले ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर सर वाकई बहुत ज़्यादा बिजी थे, सर कहीं जा रहे थे, खैर कोई बात नहीं, उनका रूल्स रेगुलेशन जो था कि जिसकी भी परेशानी है, उन्होंने एक फॉर्म दिया, फॉर्म पर सारे लोगों ने भरा परेशानी को और उन्होंने वो जमा ले लिया, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल क्लेम हो, चाहे कुछ भी हो, मज़ा आया। लेकिन भगवान हमारी उम्र इन्हें लगा दे और ये ऐसे ही लोगों को हेल्प करें, मदद करें बस। और जो लोग नए हैं, जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ जो वहाँ पर लाल बटन है ठोक दे, तोड़ दे, फोड़ दे, कुछ भी कर दे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दे, और जो बेल बटन है टन जरूर कर दे ताकि मुझे पता चले कि, और हमारी जो भी वीडियोस हैं ब्लॉग का, अब मैं मुंबई में आया हूँ, कोशिश करूँगा मैं यहाँ की जो नज़ारा है, जो मुंबई की जो खूबसूरती है, मैं आप तक पहुँचाऊँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बेल बटन दबा देंगे तो मेरी जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलेगा।
ये बंदा प्रोड्यूसर है, इसको बड़ा धूप लग रहा है बहुत ज्यादा। कार अब नहीं।